एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 1 to 4 वेरीफाई बाई डिफ्रेंसिएशन डैट फार्मूला इज करेक्ट। वेरीफाई करने के लिए इस इंटीग्रल का जो आंसर है ये वाला, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और इसके डेरिवेटिव का आंसर ये वाला आना चाहिए नंबर जो इंटीग्रल के अंदर लिखा हुआ है। तो आप इसका डेरिवेटिव लें, ये जो स्केयर रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे 1/2, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कोशेंट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला माइनस बाहर आ गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव वो 1 आएगा ओवर नीचे वाले का स्केयर। फिर इसे सिंप्लीफाई किया है, ये माइनस और ये वाला एक्स स्केयर इसको बाहर लिख दिया, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर, ये देखिए पावर माइनस है, ये नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी और जाके स्केयर रूट बन गया, माइनस इसे भी स्केयर रूट की फॉर्म में लिखती है। अब इसका एलसीएम ले लिया, ये एक्स स्केयर एज इट इज़, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका होल स्केयर बन जाएगा, ये वाला माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर एज इट इज़, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, देखें ये एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कैंसिल, ये माइनस 1 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला एज इट इज़। तो देखें इस चीज़ का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये आया है। तो ये क्या था, ये आंसर था इस इंटीग्रल का, और इसका डेरिवेटिव जब हमने लिया तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, ये देखें। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक सॉल्व करने हैं, यानी इंटीग्रल का जो भी आंसर होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो हमारे पास ये आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 to 18, इसमें जनरल इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 5 है x^(1.3) +7 × x^(2.5), इसका अब हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x की पावर n, इसका इंटीग्रल होता है x^(n+1)/(n+1), तो इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दें, x^(1.3+1)/(1.3+1) प्लस ये 7 कांस्टेंट एज इट इज़, x^(2.5+1)/(2.5+1), ये प्लस c, इसे सिंप्लीफाई करें 2.3, ये भी 2.3, ये 3.5, ये 3.5, ये 7 एज इट इज़, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ऐसे ये देखें, यहाँ x^(5) है, रेडिकल साइन है और इंडेक्स 4 है, तो इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो x^(5/4) बनेगा, फिर इस पे हम ये पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये इसका इंटीग्रल आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन 11 है, इसमें पहले हम इस थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो नीचे x लिखा है इसको हर एक के नीचे लिख देंगे, 1/x, x^√(x), x/x, ये 1/x एज इट इज़, ये देखें x^√(x), इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x^-1/2 आएगी, ये कैंसिल होके 1। अब देखें 1/x, इसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, अगर हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो इसका जो इंटीग्रल होता है ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ f प्लस c। अब देखें ऊपर डेरिवेटिव था 1, नीचे फंक्शन है x, तो इसका जो इंटीग्रल है वो नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, प्लस इस पे पावर रूल लगाएंगे तो इसका इंटीग्रल ये आएगा 1 का इंटीग्रल x प्लस c। ऐसे क्वेश्चन 12 है, x² का इंटीग्रल x³/3, 1 का इंटीग्रल x, और ये 1/x² + 1, इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो ये tan इनवर्स x आएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x² + 1 है। इसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन जो हैं 13 से 18 तक सॉल्व करने हैं।